शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज 5 PM पर हम आपको लेकर चलेंगे समोसों के लज्जतदार सफर पर और बताएंगे पटना के टॉप 5 समोसे दुकानों के बारे में कि कहां पर आपको जायको भरा समोसा मिल सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सके। इवनिंग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो, किसी पार्टी का जमावड़ा हो या फिर बर्थडे पार्टी की धमक हो, इन सब ओकेजन पर गर्मा गर्म टेस्टी समोसे का साथ हो तो इससे बेहतर ट्रीट कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। फिर यह समोसा केवल खाना नहीं बल्कि राजनीति का भी हिस्सा बना। दरअसल 1990 के दशक में एक नारा खूब फेमस हुआ, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। आज भले ही बिहार की सत्ता में लालू नहीं है लेकिन समोसे में आलू जरूर है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में आज हम आपको पटना के टॉप 5 समोसे की दुकान के बारे में बताएंगे, जहां एक बार समोसे खाएंगे तो वहां बार बार खाने का मन करेगा। नंबर 5 पर है राजस्थान रेस्टोरेंट जो कि फ्रेजर रोड पर है। मौसम कोई भी हो, नाश्ते में समोसे का कोई जोड़ नहीं। यदि आप पटना में हैं और समोसा खाने की तलब पड़ी तो फिर आप कहाँ जाएंगे। पटना में समोसे की अच्छी दुकानों की लिस्ट में 5वें स्थान पर है राजस्थान रेस्टोरेंट। यह रेस्टोरेंट पटना की सबसे पुरानी रेस्टोरेंट में से एक है। कहा जाता है कि यह रेस्टोरेंट 1962 से चल रहा है। यहाँ के मालिक की माने तो पटना की सबसे पुरानी दुकानों में से एक है। सर्दी का मौसम हो या फिर गर्मी अथवा बरसात का, यहाँ के समोसे खाने लोग दूर दराज से आते हैं और हर मौसम में इसका वही स्वाद आता है। पटना जंक्शन में गांधी मैदान जाने वाले फ्रेजर रोड में यह रेस्टोरेंट है। डाक बंगला चौराहे से अगर चंद कदम की दूरी पर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको वहीं पर राजस्थान रेस्टोरेंट दिख जाएगा। यहां आपको पटना की अन्य दुकानों से समोसा बहुत अधिक महंगा मिलेगा। इसकी प्रमुख वजह यह है कि यहां काजू और किशमिश भी समोसे में भरे जाते हैं। काजू किशमिश के अलावे यहां आपको कई रेंज के भी समोसे मिलेंगे। आलू का समोसा तो कॉमन है लेकिन उसके साथ यहां आपको कई चीजों के कॉम्बिनेशन वाला समोसा भी मिलेगा। यहां 72 रुपए में एक जोड़ा समोसा यानी कि 2 समोसे मिलते हैं। समोसे के साथ मिलने वाली चटनी के तो क्या ही कहने, लोग समोसे की तरह उसे भी काफी चाव से खाते हैं। नंबर 4 पर है दाऊ जी की दुकान जो कदम कुआ में है। पटना की समोसा दुकानों की लिस्ट में 4थे स्थान पर है दाऊ जी समोसा दुकान। इस दुकान के भी समोसे काफी टेस्टी होते हैं, एक बार खाएंगे तो बार बार खाने का मन करेगा। दाऊ जी समोसा दुकान पटना के कदम कुआ इलाके में है, जंक्शन से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। यदि आप डाक बंगला चौराहे के निकट हैं, तो न्यू डाक बंगला रोड एग्जीबिशन रोड भट्टाचार्य मोड़ होते हुए अपर्णा कॉम्प्लेक्स के निकट पहुंच सकते हैं। दुकान के ओनर सुरेंद्र प्रसाद मित्तल के अनुसार यह दुकान डेली दोपहर 12 बजे खुलती है और शाम के 7 बजे तक खुली ही रहती है। कोई भी मौसम हो यहाँ समोसा खाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी रहती है। लोग दुकान पर तो खाते ही हैं, पैक करवा कर घर भी ले जाते हैं। लोग कहते भी हैं कि यदि कदम कुआं इलाके में समोसा खाना हो तो दाऊ जी की दुकान का समोसा ही खाएं। यहाँ के गर्मा गर्म समोसे का कोई जोड़ नहीं है। समोसे की तरह इस दुकान की चटनी भी काफी यमी होती है। यहाँ समोसे के साथ धनिया की चटनी दी जाती है। इसके अलावा समोसे की कई रेंज भी उपलब्ध है, मसलन मटर के सीजन में आलू संग मटर भी समोसे में भरे जाते हैं। यहाँ आपको 13 रुपए की दर से समोसे मिल जाएंगे। नंबर 3 पर है अभिरुचि फ्रेजर रोड। मारवाड़ी आवास गृह में अवस्थित समोसे की दुकान इस लिस्ट में 3रे स्थान पर है। दरअसल समोसे का नाम सुनते ही किसी के भी मुंह में पानी आ जाता है। फेमस स्ट्रीट फूड के तौर पर फेमस समोसे को बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक पसंद करते हैं। ऐसे ही एक समोसे की दुकान फ्रेजर रोड पर स्थित है, मारवाड़ी आवास गृह में भी। इसका नाम अभिरुचि है और इस दुकान में आपको समोसे की कई वैरायटीज मिलेंगी। आलू वाला समोसा तो आम है, वह तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा यहाँ आपको पनीर समोसा और मटर समोसा भी मिलेगा। यह समोसे की दुकान फ्रेजर रोड पर स्थित है, पटना जंक्शन के पास आप रहे या इनकम टैक्स गोलंबर पर। डाक बंगला चौराहे के निकट इस दुकान में आप टहलते हुए चंद मिनटों में पहुंच सकते हैं। यहाँ भी गर्मा गर्म समोसे खाने का अपना अलग ही मजा है।
यहाँ के समोसे भी काफी टेस्टी होते हैं। यहाँ भी लोगों की काफी भीड़ जुटी रहती है, खासकर युवक युवतियाँ इसके दीवाने हैं। भीड़ अधिक हो जाने पर लोगों को अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ता है। संचालक गौरव कुमार बागिया भी कहते हैं कि क्वालिटी के मामले में किसी तरह का कोई समझौता नहीं करते। समोसे का टेस्ट और प्योरिटी ही हमारी पहचान है। दाम भी इकोनॉमिकली सही है, 14 रुपए की दर से यहाँ समोसे मिलते हैं। समोसे की तरह चटनी का भी टेस्ट काफी लाजवाब होता है, तभी तो लोग दोबारा तिबारा मांगने से परहेज नहीं करते। अब बात नंबर 2 की, इस पर आता है एस के पुरी का संतुष्टि। संतुष्टि समोसा दुकान इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। लोग कहते हैं कि इस दुकान के समोसे खाने वालों को संतुष्ट कर देते हैं, लेकिन एक बार खाने पर मन नहीं भरता है, बार बार खाने का मन करता है। रेट भी इतना जेन्युइन है कि लोग बार बार खा सकते हैं। एक समोसा महज 12 रुपए का आता है, लेकिन स्वाद के मामले में तो यह राजा है। बच्चे हो या बड़े, युवक हो या युवती, यहाँ के समोसे खाते नहीं अघाते हैं। सर्दियों का मौसम हो तो फिर यहाँ गर्मा गर्म समोसा यदि चाय के साथ शाम को मिल जाए तो क्या ही कहने, मौसम का लुत्फ डबल हो जाता है। फिर तो खाते जाओ वाली बात हो जाती है। इसके बाद भी मन नहीं भरता है। बोरिंग रोड स्थित श्री कृष्णपुरी में यह समोसे की दुकान अवस्थित है। बोरिंग रोड का इलाका पटना के पॉश इलाकों में गिना जाता है। यहाँ भी आपको समोसे की कई वैरायटीज मिल जाएंगी। मौसम के अनुसार कभी आलू के साथ तो कभी मटर तो कभी पनीर की युगलबंदी समोसे में देखने को मिलती है। समोसे के साथ चटपटी चटनी तो बिना खाए ही मुँह में पानी ला देती है। तभी तो बोरिंग रोड ही नहीं, आसपास के लोग भी यहाँ टहलते हुए पहुँच ही जाते हैं। टेस्टी होने की वजह से खाने वाले इसे अपने फैमिली मेंबर्स के लिए पैक कराकर घर भी ले जाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 1 की, कि पटना का वो कौन सा समोसा है जो हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है। तो वो है पनीर एंड स्नैक कॉर्नर, फ्रेजर रोड वाला। पटना में आए और सरदार जी के दुकान का समोसा नहीं खाया तो फिर क्या खाया। जी हाँ, इस लिस्ट में सरदार जी की पनीर एंड स्नैक्स कॉर्नर नामक समोसे की दुकान पहले नंबर पर है। यह दुकान समोसे के टेस्ट के साथ ही उसकी शुद्धता के लिए भी काफी फेमस है। दिन भर यहाँ दुकान खुली रहती है। पटना के किसी भी इलाके में आप रहे, यहाँ पहुँचना काफी आसान है। पटना जंक्शन और गांधी मैदान रोड के ठीक बीच में यह दुकान अवस्थित है। बगल में रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन केंद्र से लेकर कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़े लैंडमार्क भी हैं। लोकेशन बताने का मतलब यह है कि इस दुकान में आपको पहुंचने में कोई परेशानी ना हो। दुकान के ओनर कमलदीप सिंह कहते हैं कि यह दुकान लगभग 40 साल पुरानी है। पीढ़ी दर पीढ़ी यह दुकान चली आ रही है। समोसे के टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ा और अभी भी इसका कोई जोड़ नहीं। 18 रुपए की दर से यहाँ समोसा मिलता है। शुद्धता के साथ तो कोई समझौता नहीं है। यहाँ पनीर समोसा भी मिलता है। खास बात कि समोसे में प्याज लहसुन भी नहीं दिया जाता। इसके बाद भी इसके टेस्ट का कोई जोड़ नहीं है। प्याज लहसुन नहीं रहने के कारण शाकाहारी लोगों की यह पहली पसंद है। पूजा पाठ के मौसम में भी यहाँ के समोसों की डिमांड काफी बढ़ जाती है। नवरात्र का मौसम हो या फिर छठ पूजा का समय हो, यहाँ के समोसों का क्रेज हमेशा जारी ही रहता है। ऐसे में पटना आप लोग आए तो यहाँ का समोसा जरूर खाकर टेस्ट करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।